एक ऐसी फिल्म जिसमें प्रोड्यूसर्स ने पैसे लगाने से मना कर दिया था। कलाकार, लेखक, डायरेक्टर से लेकर क्रू तक हर चीज तैयार थी, लेकिन फिल्म को फंड करने वाला प्रोड्यूसर ही नहीं था, बजट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि फिल्म बन नहीं पाएगी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि क्राउड फंडिंग के जरिए ये फिल्म ही बनी और रिलीज के साथ ही सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। क्राउड फंडिंग के जरिए बनने वाली ये बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई। अब हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण में इसकी स्क्रीनिंग हुई थी। आपको इस फिल्म के बनने के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नफा नुकसान किसी को मालामाल तो किसी को सड़क पर ले आता है। पहले के दौर में कई निर्माता बड़े बजट और बड़े कलाकारों वाली फिल्मों में ही पैसा लगाते थे। इसी वजह से निर्माता 1976 में रिलीज हुई फिल्म मंथन को फंड नहीं करना चाहते थे। बाद में क्राउड फंडिंग के जरिए यह फिल्म बनाई गई। जब यह फिल्म बनकर तैयार हुई तो यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। इस फिल्म ने भारत में इतिहास रच दिया और क्राउड फंडिंग से बनी पहली बॉलीवुड की फिल्म बन गई। इस फिल्म में दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल लीड रोल में थी। उनके साथ गिरीश कर्नाड, कुलभूषण खरबंदा, नसरुद्दीन शाह, मोहन अगाशे, अनंत नाग और अमरीश पुरी भी मुख्य रोल में थे। इसे श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। हर किरदार सटीक बैठा था, लेकिन इस फिल्म को बनाने के लिए श्याम बेनेगल को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। उस समय नसरुद्दीन शाह नए थे, उन्होंने अभी सिनेमा में अपने पैर जमाने शुरू ही किए थे, जबकि गिरीश कर्नाड शीर्ष अभिनेता बन चुके थे। फिल्म में अमरीश पुरी का किरदार निगेटिव था। 134 मिनट की इस फिल्म में डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट को दिखाया गया था। इस आंदोलन ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के शीर्ष दूध उत्पादक देश में बदल दिया था। फिल्म की कहानी वर्गीज कुरियन से ली गई थी। वर्गीज कुरियन को भारत में दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। फिल्म में गिरीश ने मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले वर्गीज का किरदार निभाया था। स्मिता पाटिल मुख्य रूप से गांव की महिलाओं को शो करती नजर आई थी। फिल्म मंथन ग्रामीण परिवेश की आर्थिक सामाजिक चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म के संवाद कैफी आजमी ने लिखे थे। इसकी कहानी वर्गीज कुरियन और श्याम बेनेगल ने मिलकर लिखी थी। वहीं इसकी सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी गोविंद निहलानी के पास थी। इस फिल्म को बनाने के लिए गुजरात के दुग्ध उत्पादन समूह के 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपये दिए थे, जिसके बाद ही यह फिल्म बनकर तैयार हुई। इस फिल्म की रिलीज के बाद एक किसान ट्रकों में भरकर फिल्म देखने गए थे। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।